पहली बार फिर करते हैं आप साथ सीखोगे। तो जी आज काफ़ी दिनों बाद हमारी वीडियो आ रही है, तो बच्चे कह रहे थे हमें भी दिखाएं, तो काफ़ी दिनों के बाद बना रहे हैं। और आज हम आए हुए आउट ऑफ सिटी क्योंकि मेरी नंबर की है वेडिंग एनिवर्सरी, तो बहुत ही बड़ा फंक्शन है, तो जी सब आए हैं। तो ये देखिए इनको तो आपने देखा ही होगा हमारे फोन में। तो आज आए हैं शैलन नरन की पप्पो के घर में, वो खाना बना रहे हैं, बहुत ही बड़ा चहल पहल है। तुम्हारी मम्मी भी आई है। हेलो, कैसे हो? हेलो, कैसे हैं आप? क्या हाल है? बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई। तो मम्मी तो सबसे पहले आ गई थी, कल ही आ गई थी, तो हम थोड़े से लोग आ जाए हैं, तो थोड़े कल आ गए। तो जी मिलते हैं साथ साथ, आपको दिखाते रहते हैं फंक्शन हमारा क्या क्या हो रहा है। अभी तो खाना बन रहा है और शाम को मिलते हैं। खाने की तैयारी हो रही है और चावल पका रही है बड़ी भाभी हमारी, और एनी बना रही है चिकन। तो चिकन भी रेडी हो गया है, पानी डाल लिया है, और आज एनी के घर आए हुए हैं। तो एनी का घर देखे जी, बहुत प्यारा है, सब भी आए हुए हैं और शाम का फंक्शन है। तो अंदर जी सब थोड़े से मसरूफ हैं फिल्म वगैरह देखने में बच्चे। देखिए जी ये देखिए जी ये अनिका सारा घर है, ये हमारे बड़े भाई है मीरा। शनारा आज तो अच्छा मिल रहा है, शनारा का ना जब से आइए खेल रही है, पर थोड़ा सा ना आपका तंग करने लगी है। तो ये कपड़े जी बहुत मुश्किल से पहने हैं इसने, जिद करके बना लिया है। और शनारा का जूता है ना जो बहुत पसंदीदा है, वो इसका गुम हो गया है। तो जी बलून थोड़े से ना फुला लिए गए हैं, थोड़े से रह गए हैं, और भाई अभी ये देखे डेकोरेशन कर रहे हैं, और शाम को सालगिरह होगी, आप ही हमने खाना खा लिया। और बच्चे ये देखे जी तो जी अभी हम खाना खाने लगे हैं सारे। तो चावल हमारे बन गए, भाभी ने बना लिए, और सालन भी बन गया है, सबको भूख बहुत लगी हुई है। हमारा खाना रेडी हो गया जी, अभी हम खाना खाने लगे हैं, दस्तरखान बिछ गया है, सारे बच्चे और बड़े खाने के लिए आ गए हैं जी, अभी हम खाना खाएंगे। एलन भी बैठ गई है, सब बैठ गए जी, रेडी हो गए हैं खाने के लिए, और खाना जी अभी सर्व होगा। चिकन आ गया, ये मीरब की चाची है, वो मीरब के चाचू हैं, अदनान भाई के बड़े भाई हैं। तो जी सबको भूख बहुत ज़्यादा लगी है और सब मसरूफ है, जल्दी जल्दी से खाना मिले हम खाएं। जी हमने खाना वगैरह खा लिया था और टाइम हो गया हमारा, तो 8 बज गए, तो अब ना फंक्शन शुरू होने लगा है, स्टार्ट होने लगा है, क्योंकि अब केक कटिंग होगी और वेडिंग एनिवर्सरी की, और सब मेहमान इकट्ठे हो गए हैं, डेकोरेशन भी हो गई है बाहर, और मैंने यही अपना लुक रखा है, थोड़ा सा लिपस्टिक लगा ली है बस, और ज़्यादा हैवी मेकअप मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो देखते हैं बाहर का मंजर, आपको दिखाते हैं सबका कैसे कैसे सारे तैयार हो गए हैं। यहाँ पे बड़े लाइट चली गई है, अंधेरा हो गया है, बच्चे देख, और यहाँ पे चली गई है लाइट, अंधेरा हो गया है, और इतने जोरों से सब तैयार हुए हैं, और हाँ जी हाँ जी ये देखिए हाँ जी शैनन का गिफ्ट इसने अपने पप्पो के लिए पैक किया है।
और एलन के पास भी है। हेलो हेलो, हाँ मेरा भैया लाइट बंद करो, थोड़ा सा नीचे करो, आपकी शक्ल नहीं नजर आ रही। हाँ ये मीरब की, मीरब ने अपनी मम्मा के लिए पैक की है, दोनों के लिए है, तो बहुत ज्यादा पैकिंग अच्छी लग रही है और काफी गिफ्ट लग रहा है कि काफी ना बड़ा सारा है कुछ है इसमें। तो ये तो अब ये इनबॉक्सिंग यही करेंगे, हमने तो बस चले जाना है। तो अगर आपको इनबॉक्सिंग करेंगे तो फिर थोड़ी सी वीडियो कर लेंगे शूट, तो दिखाएंगे इसमें क्या है, मीरब ने क्या पैक किया है इसमें। ये देखिए जी, एनन का भी गिफ्ट आ गया है, एनन ने भी पैक किया है पकड़ी। हाँ मीरब का बड़ा है थोड़ा सा, बताते नहीं है। मैंने तो ऑनलाइन मंगवाया है। अच्छा अच्छा बनानी है तो बना लो। मामू जी यार पीछे और वो थोड़ा जा चलो चलो तोड़ दो इसको, केक कटिंग करने के लिए तैयार हो गए हैं और अभी ये पटाखा जोर सारा फोड़ना है। चल भाई केक निकलने भी क्लोज है। ये भाई ने उनको गिफ्ट दिया है लाइट आ रही है। अच्छा असलम एंड आसमा, असलम आसमा और असलम का चेहरा, मैं गाना गा के प्रपोज कर रहा हूं। दुनिया को तेरी तस्वीर बना।
दिखा दूं। किसी से प्यार हो जाए। मीरत ने अपनी मम्मा को ये गिफ्ट दिया है। मीरत पास खड़े हो, ये देखिए छोटा छोटा कभी ना।